नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हलवाई जैसे मलाई लड्डू। हम ये मलाई लड्डू सिर्फ एक गिलास दूध से घर में बहुत ही आसानी से बनाएंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए, हलवाई जैसे मलाई लड्डू हम घर में बहुत ही आसानी से बनाते हैं। ये हमने एक गिलास दूध लिया है। दूध को पकाने के लिए हमें मोटे तले की कढ़ाई लेनी है। गैस का फ्लेम हम तेज रखेंगे। चम्मच से हिलाते हुए तेज फ्लेम में हम ये दूध पकाएंगे। तेज फ्लेम में दूध को पकाने से मलाई लड्डू सफ़ेद बनेंगे। स्लो फ्लेम में दूध पकाने से लड्डू को क्रीमी टाइप कलर आ जाएगा, इसलिए हम दूध को तेज फ्लेम में ही पकाएंगे और चम्मच से लगातार हिलाते रहेंगे। ये देखिए, दूध अभी धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। कढ़ाई के काट में जो मलाई जमा हो रही है वो चम्मच से निकाल के हम दूध में मिला लेंगे और गैस का फ्लेम तेज रखेंगे। ये देखिए, ये दूध अभी आधे से कम हो चुका है। ये दूध अभी मावा जैसे बन गया है। ये दूध को गाढ़ा करने के लिए मुझे 5 मिनट लग गए हैं। अभी हम इसमें पोहा खाने के चम्मच से 3 चम्मच शक्कर डालेंगे। दूध में भी मिठास होती है, इसलिए हम शक्कर थोड़ी कम ही डालेंगे। शक्कर को चम्मच से मिक्स कर लेंगे। अभी हम गैस का फ्लेम स्लो कर लेंगे। अभी हम इसमें 2 चम्मच दूध की मलाई डाल देंगे। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसे स्किप कर सकते हो। मलाई को चम्मच से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम अभी हम पूरा स्लो कर लेंगे। ये मैंने आधा कटोरी पनीर लिया है। ये मेरा होममेड पनीर है, आप मार्केट का भी पनीर ले सकते हो। ये पनीर को हम हाथों से इस तरह मसल के स्मूथ कर लेंगे। इस तरह हाथों से मसलने से पनीर बहुत जल्दी ही स्मूथ हो जाता है। ये देखिए, पनीर काफ़ी स्मूथ हो चुका है। इसको और थोड़ा सा मसल लेंगे। पनीर को हमें आटे की तरह गूंथना नहीं है। ये देखिए, 1 मिनट में पनीर अच्छे से स्मूथ हो चुका है, देख सकते हैं आप। ये हमारा दूध से बना हुआ मावा पूरे स्लो फ्लेम में पक रहा है। अभी हम इसमें ये स्मूथ किया हुआ पनीर डाल देंगे। लगातार चम्मच से हिलाते हुए ये पनीर को हम ये मावा में मिक्स कर लेंगे। अभी हम गैस का फ्लेम पूरा स्लो रख लेंगे। ये देखिए, मावा अभी धीरे धीरे गाढ़ा होते जा रहा है, देख सकते हैं आप। ये मावा अच्छे से पका कि नहीं पका ये कैसे चेक करेंगे? ये देखिए, ये मावा पूरी एक जगह जमा हो रहा है, इसका मतलब ये मावा अच्छे से पक चुका है। अभी हम गैस बंद कर लेंगे और इसको हम ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये मावा को हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। ये मावा अभी पूरी तरह ठंडा हो चुका है। मावा का थोड़ा सा भाग हाथों पर इस तरह लेंगे और इसके हम लड्डू बना लेंगे, इस तरह हाथों पे दबा के, देख सकते हैं आप। इसी तरह हम बाकी के लड्डू भी बना लेंगे। लड्डू को हलवाई जैसा लुक देने के लिए ये मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर लिया है। ये ऑरेंज कलर से हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ 1 गिलास दूध और आधा कटोरी पनीर से हलवाई जैसे मावा लड्डू हमने घर में बहुत ही आसानी से 10 मिनट में बना लिए हैं। ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक लड्डू मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लड्डू कितने आसानी से टूट रहा है। लड्डू मस्त सॉफ्ट और टेस्टी बना है। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।